गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मोर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विल बी और शैल बी के निगेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा विल या शैल। जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट से पहले बिल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन साइन। और अगर सब्जेक्ट आई बी रहेगा तो उससे पहले सेल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है, क्या वह मीटिंग में होगा? तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और वह की अंग्रेजी ही होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सब्जेक्ट जब ही होगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल ही बी इन द मीटिंग। दूसरा है एग्जांपल, क्या तुम महान बनोगे या क्या तुम महान होगे? तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है और तुम की अंग्रेजी यू होती है। हम लोग सब स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर यू होगा तो सब्जेक्ट से पहले विल लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका होगा विल यू बी ग्रेट। क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे या क्या तुम एक डॉक्टर होगे? तो तुम की अंग्रेजी यू होती है और स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर यू रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी लिखा जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विल यू बी अ डॉक्टर। चौथा एग्जांपल है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी? तो रेलगाड़ी द ट्रेन, ये एक सिंगुलर नाउन है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका होगा विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म। पांचवा है, क्या तुम अपने गांव में होगे? तो तुम की अंग्रेजी यू है और स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट यू रहेगा तो उससे पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल यू बी इन योर विलेज। छठवां, क्या तोता पिंजड़े में होगा? तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और तोता द पैरट, तो पैरट माने तोता। तो यहाँ जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा विल द पैरट बी इन द केज। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो सब्जेक्ट से पहले विल लगेगा और अगर जो है आई वी सब्जेक्ट होगा तो उससे पहले शैल लगेगा, फिर इसके बाद विल लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे या वे लोग क्यों अनुपस्थित होंगे? तो इसका बनेगा क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हाई और वे लोग का दे होता है और स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखेंगे यहाँ कि जब सब्जेक्ट दे रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और विल से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका बनेगा व्हाई विल दे बी अब्सेंट। दूसरा है, मैं क्यों बीमार रहूंगा? क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हाई और मैं का आई होता है और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो इससे पहले सेल लिखा जाएगा, अब सब्जेक्ट बाद बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या
कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा वाई सेल आई बी इल। तीसरा एग्जाम्पल है, आप कैसे प्रसन्न रहेंगे या आप कैसे प्रसन्न होंगे। तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हाउ, और आप, आपकी अंग्रेजी होती है यू। तो पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं जो सब्जेक्ट यू रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा हाउ विल यू बी हैप्पी। चौथा एग्जाम्पल है, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा या वह कहाँ प्रसन्न होगा। तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वेयर। वह की अंग्रेजी ही होती है, पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं जो सब्जेक्ट ही रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका होगा वेयर विल ही बी हैप्पी। पांचवा एग्जाम्पल है, वहाँ कौन होगा। तो कौन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हु, और ये चूंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है इसलिए जो है इसके बाद विल भी लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, तो इसका हो जाएगा हु विल बी देयर। छठवां है, वह क्यों थकी रहेगी या वह क्यों थकी होगी। तो इसका होगा क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, और वह की अंग्रेजी होगी सी, और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सब्जेक्ट सी होगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी और इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा वाई विल सी बी टायर्ड। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। जब सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो इसके पहले विल लिखा जाएगा, और जब सब्जेक्ट आई भी होगा तो इससे पहले सेल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है, राम क्यों थका नहीं रहेगा या राम क्यों थका नहीं होगा। तो इसका बनेगा क्योंकि क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के बीच में आया हुआ और इसमें नहीं भी लगा हुआ इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी हुआई, और राम, राम सिंगुलर नाउन है, स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट बाद नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा वाई विल राम नॉट बी टायर्ड। दूसरा है एग्जाम्पल, क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे या क्या आप शिक्षक नहीं होंगे। तो क्या इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और बीच में नहीं लगा हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो और आपकी अंग्रेजी यू होती है, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट यू रहेगा तो इससे पहले विल लगेगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा विल यू नॉट बी अ टीचर। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे या क्या वे लोग उपस्थित नहीं होंगे। तो वे लोग का है दे, और हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट दे होगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा और दे के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वी और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, तो इसका बनेगा विल दे नॉट बी प्रेजेंट। वहाँ कौन नहीं होगा, कौन प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया है और नहीं भी लगा हुआ, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हु, और चूंकि ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है इसलिए हु के बाद जो है विल नॉट बी लिखा जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी हु विल नॉट बी देयर। पांचवा एग्जाम्पल है, आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे या आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं होंगे। तो इसमें कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है और नहीं भी लगा हुआ, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी हाउ,
और आप लोग का यू होता है, और स्ट्रक्चर में लोग देख चुके हैं जब सब्जेक्ट यू रहेगा तो उससे पहले विल लिखा जाएगा, और उसके बाद नॉट और बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसका होगा हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी। छठवां एग्जाम्पल है मेरा दोस्त क्यों खुश नहीं रहेगा या मेरा दोस्त क्यों खुश नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ और नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हाई, और मेरा दोस्त माई फ्रेंड, और ये सिंगुलर नाउन। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले विल लगेगा, और उसके बाद नॉट बी लिखा जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हाई विल माई फ्रेंड नॉट बी हैप्पी। तो बच्चों आज ही तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।